Hey guys, welcome back in another GTA 5 modes tips and trick video. So guys, आज मैं आपको बताने वाला हूँ how to download and install apartment with garage in your GTA 5. So guys, जैसा मैं आप देख सकते हो कि मैं इस समय लग्जरी अपार्टमेंट के अंदर हूँ और यहाँ पे सबसे टॉप फ्लोर पे हूँ. और मैं आपको बता देता हूँ ये GTA 5 का कौन सा अपार्टमेंट है, एपलिक्स टावर वाला अपार्टमेंट. और ये हम लोग ने फाइनली परचेस कर लिया है और मैं आपको इसको बाद में दिखाऊंगा. सबसे पहले मैं आपको गैराज दिखा देता हूँ कि हम लोग वहाँ पे अपने व्हीकल्स भी खड़े कर सकते हैं. ओके, तो अभी फ्रैंकलिन गिर जाता बट वो बच गया. चलते हैं यहाँ से, एंटर. फाइनली हम लोग आ चुके हैं नीचे और आप देख सकते हो यहाँ पे कितना बड़ा गैराज है. हम यहाँ पे कम से कम अपनी 10 गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और यहाँ पे टीवी भी लगा हुआ है और यहाँ पे हम अपनी कार को मैनेज भी कर सकते हैं, मतलब कि मॉडिफाई भी कर सकते हैं. सो गाइस, चलते हैं मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे एंड देन मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे डाउनलोड करना है एंड कैसे इंस्टॉल करना है इस लग्जरी गैराज एंड अपार्टमेंट को. सबसे पहले आपको ये 3 फाइल डाउनलोड करनी होगी एंड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा. आपको मैं सिंपली बता देता हूँ इसे कैसे डाउनलोड करना है. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंगल प्लेयर अपार्टमेंट से. जब आप उस डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा पेज खुलकर आएगा, आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है. उसके बाद एक और पेज खुलकर आएगा डाउनलोड का, आपको उस पर क्लिक करना है, आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी. अब हम लोग चलते हैं स्क्रिप्टहुक वी पे. जब आप स्क्रिप्टहुक वी के पेज पे आ जाओगे आपको ऊपर से नीचे आ जाना है और यहाँ पे है डाउनलोड का ऑप्शन, आपको सिर्फ इसी पे क्लिक करना है, आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी. अब हम लोग चलते हैं scripthookv.net पे. जब आप उसके लिंक पे आ जाओगे और यहाँ पे कुछ ऐसा पेज खुलकर आएगा, आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है. उसके बाद एक और पेज खुलकर आएगा और आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और यहाँ पे है scripthookv.net.zip, आपको सिर्फ इसी पे क्लिक करना है, आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी. ये तीनों फाइल डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, अपना GTA 5 मेन डायरेक्टली खोलना है जहाँ पे आपने उसे इंस्टॉल करके रखा था. और उसके बाद आप इन तीनों को एक्सट्रैक भी कर सकते हो. अगर आपको एक्सट्रैक करना नहीं आता तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके भी इसे इंस्टॉल कर सकते हो. तो मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे इंस्टॉल करना है अपने GTA 5 के अंदर. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्क्रिप्टहुक वी से. ऑलरेडी कर रखा है बट मैं आपको फिर से दोबारा दिखा रहा हूँ. सबसे पहले हम लोग जाएंगे बिन के फोल्डर में और उसके बाद हमें चाहिए लास्ट एंड फर्स्ट वाली फाइल. तो मैं इसे कंट्रोल से सेलेक्ट करता हूँ लास्ट एंड फर्स्ट वाली फाइल को और माउस से यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ. सो ये हो गई हमारी यहाँ पे फाइल ऐड. अब मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ और हमारी हो जाएगी स्क्रिप्टहुक वी की फाइल इंस्टॉल. तो हमारी हो गई स्क्रिप्टहुक वी की फाइल इंस्टॉल. अब हम चलते हैं scripthookv.net की तरफ. सो गाइज, इसके अंदर आपको बहुत ध्यान से करना होगा क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 3 फाइल चाहिए. सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सी फाइल है, एप्लीकेशन एक्स, एप्लीकेशन एक्स एंड ASI फाइल. ये तीनों फाइल आपको कंट्रोल से सेलेक्ट करनी होगी. उसके बाद अपने माउस से ला कर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना, आपकी ये वाली फाइल हो गई ऐड. अब मैं यहाँ पे रिप्लेस कर लेता हूँ फिर से क्योंकि मैं ये दोबारा कर रहा हूँ. अगर आप दोबारा करोगे तो ऐसा ऑप्शन ज़रूर आएगा. अब हम चलते हैं अपने मोड की तरफ, मतलब सिंगल प्लेयर अपार्टमेंट की तरफ. सो गाइज, इस मोड को इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ. अगर जिसने भी GTA 5 के अंदर स्क्रिप्ट का फोल्डर नहीं बनाया तो सबसे पहले वो स्क्रिप्ट का फोल्डर बना ले, उसके बाद ही इस मोड को इंस्टॉल करें. तो मैं आपको बता देता हूँ स्क्रिप्ट का फोल्डर कैसे बनना है. आपको न्यू पे जाना है और यहाँ पे फोल्डर मिल जाएगा. इस फोल्डर पे क्लिक करना और इसके रीनेम को डिलीट कर देना. डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है स्क्रिप्ट, बिल्कुल एज इट इज़ करना है. और उसके बाद जब आपका फोल्डर बन जाएगा, स्क्रिप्ट के फोल्डर को खोलना और जो आप इसके अंदर जो देख रहे हो स्क्रिप्ट का फोल्डर, इसकी सारी की सारी फाइल आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना. तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ ये सारी की सारी फाइल. और उसके बाद हमारी सारी की सारी फाइल हो जाएगी और ये फिर से मुझसे रिप्लेस कह रहा है तो मैं इसे कर देता हूँ. सो गाइस, हमारा मोड इंस्टॉल हो गया है बट हमें इसके अंदर एक और काम करना है. इसके अंदर एक और काम हमें ये करना है कि हमें इसके फोल्डर के अंदर जाना है और इसके टूल के अंदर जाना है. टूल के अंदर जाने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगी एक क्रिएट फाइल मेथड का ऑप्शन. तो गाइज, आपको यहाँ पे 2 करना होगा. मैं ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जिससे आपकी फाइल ऐड हो सके, आपका कोई प्रॉब्लम ना हो GTA 5 के अंदर, क्योंकि हमारी कार सेफ नहीं होती गैराज के अंदर. और यहाँ पे लिखा भी है अगर हमारा कोई व्हीकल सेफ नहीं होता तो हम यहाँ पे दूसरे मेथड भी ट्राई कर सकते हैं. और उसके बाद आपको यहाँ पे सेफ पे दबाना है और हमारा फाइनली मोड हो गया इंस्टॉल. अब हम चलते हैं गेम की तरफ. सो गाइस, गेम यहाँ पे ऑन हो चुका है. अब आपको क्या प्रेस करना है, यहाँ पे आपको अपने मैप पे जाना है और मैप पे जाने के बाद आपको मिल जाएंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन. सो गाइस, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज करने का ऑप्शन आ चुका है, प्रॉपर्टीज़ फॉर सेल. और जो मैंने परचेज करी थी वो थी एपलिक्स टावर और यहाँ पे इसका अलग से ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे मैप में भी शो होगा.
तो चलते हैं यहाँ पे घर की तरफ और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ उसे कैसे परचेज करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं लोकेशन मार्क कर लेता हूँ, लोकेशन मैंने मार्क कर ली है। अब मैं यहाँ पे अपना हैंस नेटिव यूज़ करने वाला हूँ, शिफ्ट प्लस F4। तो गाइस जिसे ये नहीं पता कि हैंस नेटिव क्या है, मैंने उसकी वीडियो बना रखी है, मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लोकेशन पे सेट करता हूँ एंड इसके बाद टेलीपोर्ट टू मार्क करता हूँ और आ गए हम फाइनली उसी लोकेशन पे जो हमने मार्क करी थी। तो चलते हैं यहाँ पे इसके अंदर। सो गाइस यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा परचेज करने का, तो मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले। और यहाँ पे ई करके एक ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप यहाँ पे कोई सा भी परचेज कर सकते हो। तो हम चलते हैं अपने अपार्टमेंट के अंदर और फिर मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर कैसे हम कैश ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग फाइनली अंदर आ चुके हैं। अब आपको क्या प्रेस करना है कैश ऐड करने के लिए, अगर आपके पास कैश नहीं है सिर्फ प्लस F4 एंड इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर आपको मिलेगा प्लेयर का ऑप्शन और प्लेयर के ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा ऐड आर रिमूव कैश। और आप देख सकते हो यहाँ पे कितना भी आप कैश भी ऐड कर सकते हो और आप माइनस भी कर सकते हो अगर आपको कैश नहीं चाहिए तो। सो ये हो गया हमारा कैश ऐड। सो गाइज इसके अंदर आप कपड़े भी चेंज कर सकते हो, इंटीरियर भी चेंज कर सकते हो और साथ में साथ गैराज में गाड़ियाँ भी खड़ी कर सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको इसी ऑप्शन पे जाना है, ई पे ई प्रेस करना है और यहाँ पे अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छी ना लगे आप उसको सेल भी कर सकते हो, बेच भी सकते हो, आपके जितने पैसे गए हुए थे आपको सारे वापस मिल जाएंगे। अभी हम चलते हैं गैराज की तरफ। तो फाइनली हम लोग गैराज के अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हो यही जो गैराज मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ये गैराज वही है। और यहाँ पे रेडियो भी बज रहा है, आप रेडियो भी सुन सकती है और यहाँ पे हम लोग टीवी भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टीवी बंद कर देता हूँ एंड चलते हैं अपना अंदर। मैं आपको अंदर से अपार्टमेंट भी एक बार दिखा देता हूँ और दिखा देता हूँ कि फ्रैंकलिन कपड़े कैसे चेंज करेगा। तो फाइनली हम अंदर आ चुके हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले अपार्टमेंट का इंटीरियर कैसे चेंज कर सकते हैं। अपार्टमेंट स्टाइल पे जाना और उसके बाद आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे बहुत सारे और आप यहाँ पे एक एक करके चेंज कर सकते हो जो भी आपको पसंद आए। तो आप देख सकते हो मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं यही रखता हूँ एंड सेलेक्ट कर देता हूँ एंड फाइनली हमारा चेंज हो गया इंटीरियर। एंड चलते हैं अंदर ऊपर फ्रैंकलिन के बेडरूम की तरफ और वहाँ पर हम लोग कपड़े चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पर नीचे टीवी भी है, आप नीचे टीवी भी देख सकते हो। और फाइनली हम अंदर आ चुके हैं बेडरूम की तरफ और ये है हमारी कबर्ड जहाँ पे हम लोग कपड़े चेंज कर सकते हैं। सो गाइस आपको यहाँ पे सारे के सारे कपड़े मिल जाएंगे, आपको परचेस करने की ज़रूरत नहीं है कोई शॉप से, आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहे हैं। तो मैं इसे सूट पे ना देता हूँ, फुल सूट जो भी इस पर अच्छा लगता है। तो मैंने लास्ट टाइम यही लिया था तो मैं यही चूज़ करता हूँ एंड फाइनली हमने इसे सूट पहना दिया है एंड चलते हैं बाहर। तो गाइज आप लोग देख सकते हो मतलब फ्रैंकलिन इस समय सेड बन चुका है, रिच एंड रिची रिच। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन है तो सब्सक्राइब करना, वो बिल्कुल फ्री है। उसकी साइड में एक बेल का ऑप्शन आएगा, आप उस पर ऑल पे क्लिक कर लेना, उससे क्या होगा कि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलेगी और आप सबसे पहले देख सकते हो। सो गाइज आज के लिए इतना ही, टाटा हैव अ गुड डे एंड बी सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इन्जॉय।